हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शीतल। इस वीडियो में गर्मियों का मेकअप देखेंगे। गर्मियों में मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और कम पसीना आए, इसके लिए मेकअप स्टेप बाय स्टेप मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही इजी मेकअप ट्यूटोरियल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है फेस को क्लीन करना। मैं वाइप्स से अपने फेस को पूरे अच्छे से क्लीन करूँगी। गर्मियों में बहुत देर तक मेकअप टिका हुआ रहे और हमें ज़्यादा पसीना ना आए, इसके लिए गर्मियों के लिए सबसे अच्छा है कि आप मेकअप से पहले बर्फ़ लगाएं अपने पूरे फेस पे। बर्फ़ एक टोनर की तरह काम करता है और जिन्हें बर्फ़ से प्रॉब्लम है ठंड लगने का, वो ठंडे पानी से फेस को धोए। तो इसके बाद लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए मेकअप से पहले। अगर किसी को गर्मी के समय मॉइस्चराइज़र से चिपचिपाहट की प्रॉब्लम है तो वो अपने स्किन के हिसाब से जेल मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, लेकिन मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। इससे स्किन हाइड्रेट रहती है। अपने लिप्स को भी हाइड्रेट करें एक अच्छे से लिप बाम से। नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर। एक ऐसा प्राइमर ले जो हमारे फेस के ओपन पोर्स को फिल करने में हेल्प करे। मैं ये नाइट का मेकअप कर रही हूँ, इसीलिए मैं मॉइस्चराइज़र के बाद प्राइमर अप्लाई की। लेकिन आप दिन में मेकअप कर रहे हैं तो मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, उसके बाद ही प्राइमर अप्लाई करें। इसके बाद जहाँ जहाँ मेरे पिंपल्स मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन एरिया है, वहाँ मैं कलर करेक्टर अप्लाई करूँगी। वार्म स्किन टोन पे ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ होता है, तो मैं ऑरेंज कलर करेक्टर लगा रही हूँ। जहाँ जहाँ पिंपल मार्क्स है मैं वहाँ लगाई हूँ। माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है, मैं वहाँ लगाई हूँ। अगर आपके आइज़ के नीचे डार्क सर्कल है तो आप वहाँ पर लगाइए, मेरे नहीं है, मैं नहीं लगाई हूँ। फेस को हमेशा कलर करेक्ट करने के बाद ही फाउंडेशन अप्लाई करना चाहिए। बिना कलर करेक्ट किए अगर फाउंडेशन हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो देखने में बहुत ही ख़राब लगता है। इसके बाद पाउडर के साथ प्रेस करके सेट करूँगी कलर कैरेक्टर को। बिना सेट किए अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन यूज़ करते हैं कलर कैरेक्टर के ऊपर, तो वो पूरा फेस लाल लाल दिखेगा। इसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी। गर्मियों के दिन में फाउंडेशन बहुत हल्का होना चाहिए। गर्मियों के दिन में मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मैं फिट मी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, ये मैट है, तो गर्मियों के लिए एक अच्छा फाउंडेशन है। तो मैं पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर चुकी हूँ, नेक पे भी लगा चुकी हूँ। अब वेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर ली हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी और प्रेस करके पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी, जिससे मेरा फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाए और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। तो एक अच्छा मेकअप बेस पाने के लिए स्किन को सबसे पहले प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी स्टेप को आप गाइस ज़रूर याद रखें। कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।